नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर नंबर 44 लक्ष्मीकांत में हम लोग एंट्री मार चुके हैं यहाँ पे बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अब देखिए दोस्तों इससे जस्ट पहले मैंने चैप्टर नंबर 43 में यूनियन यूनियन पब्लिक पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन कमीशन डिस्कस किया है के जो प्रोविजन है ना बिल्कुल ही आइडेंटिकल प्रोविजन आएंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इनफैक्ट आर्टिकल्स भी सेम है आर्टिकल तीन से तीन में यूपीएससी भी आता है और एसपीएससी भी आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का इंट्रोडक्शन रिमूवल इंडिपेंडेंस इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे दो वीडियोस में मैं ये चैप्टर आपके सामने खत्म कर दूंगा तो होगा बट चूंकि मुझे आपको पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ानी है तो भाई देखना तो जरूरी है तो भाई जैसे पैरलिट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है एट द सेंटर वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट में और सेम सेट ऑफ आर्टिकल तीन सौ पंद्रह टू तीन सौ तेईस अंडर पार्ट फोर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं किस में एस पी एस सी में तो भाई एस पी एस सी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट इनका रिमूवल क्या कंपोजिशन होगा एस पी एस सी का क्या इसकी पावर्स होंगी क्या फंक्शन होगा कितना ये इंडिपेंडेंट होगा ये सब तीन सौ पंद्रह से लेकर तीन सो तेईस में लिखा हुआ है और वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या बोला गया है कि भैया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट सेंटर में क्या हो रहा था कि चेयरमैन था एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट यहां कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है गवर्नर अपॉइंट कर रहा है ऑब्वियस ही बात है हर स्टेट में अबला अपना एक अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वहां के मेंबर्स को तो गवर्नर ही अपॉइंट करेगा अब खास बात यह कि संविधान में यह नहीं लिखा एक बात याद रखिएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो है ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस बात को हमेशा याद रखिएगा तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का स्ट्रेंथ क्या होगी ये तो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन और गवर्नर का डिस्क्रिप्शन मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट जो है वो डिसाइड करेंगे कि बेसिकली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने लोगों को अपॉइंट करना है अब बात की जाए क्वालिफिकेशन क्या है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरपर्सन की देखिए कोई एस सच क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है बस ये बताया हुआ है कि जितने भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे इन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उनके एटलीस्ट आधे मेंबर्स जो आधे मेंबर्स हैं वो ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो या तो 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रखा है या उन्होंने किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रखा है बिल्कुल ही ऐसा आइडेंटिकल प्रोविजन यूपीएससी में यूपीएससी में जितने मेंबर्स हैं उनके आधे मेंबर्स दस साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट में काम किया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया हो यहाँ पे भी वही चीज है ठीक है है बस यहां पे अलग एक चीज कि अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को यह ताकत देता है कि भाई जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है उसकी सर्विस कंडीशन को डिसाइड करने की ताकत गवर्नर के पास है फिर आगे बात करते हैं जो चेयरमैन है और मेंबर्स है कमीशन के ये छह साल का इनका टेन्योर होगा या फिर जब तक इनकी उम्र बासठ साल हो जाए सो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ ऑफ इयर्स या फिर अप टू एन एज जो भी अर्लियर है जो भी पहले है यूपीएससी के केस में एज लिमिट है पैंसठ यहां के केस में एज लिमिट है बासठ और ये बासठ साल की जो एज लिमिट है वो ऐसे ही नहीं हो गई दोस्तों ये पहले साठ साल थी यानी पहले अगर चेयरमैन या मेंबर बनना है आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तो आप मैक्सिमम साठ साल तक रह सकते हो फिर आया फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइन संशोधन संशोधन ने क्या किया कि भैया चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बासठ साल की उम्र तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं ठीक है भाई अब ये तो अपर एज लिमिट है अगर इनमें से कोई मेंबर चाहता है कि भैया मुझे नहीं रखना ऑफिस तो वो अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करेगा किसको एड्रेस करेगा गवर्नर को तो अपनी स्वेच्छा से अगर कोई एस में से नौकरी छोड़ना चाहता है तो गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन भेज सकता है मान लीजिए किसी सरकम में कोई चेयरमैन अभी के लिए नहीं है ठीक है वो किस वजह से नहीं हो सकता है चेयरमैन इस वजह से नहीं हो सकता कि मान लीजिए चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट है कोई चेयरमैन है ही नहीं या फिर कोई चेयरमैन उसकी तबीयत खराब है छुट्टी पे कहीं गया हुआ है तो ऐसे केसेस में गवर्नर

इससे आपको प्रोविजन ज्यादा लंबे समय के लिए याद रहेंगे बात करते हैं रिमूवल और बहुत सी जगहों पर रिएट्रेशन आपको देखने को मिलेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया बहुत से इंडिया के ऑफिस में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिएट्रेशन देखने को मिलेगा जो सेंटर के लेवल पे हो रहा है वही स्टेट के लेवल पे होगा क्योंकि दोनों ही लेवल पे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है अभी रिमूवल की बात की जाए तो भैया चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करता है गवर्नर बट इनको हटाने की अथॉरिटी गवर्नर के पास नहीं है

वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को हटाया जा सकता है तो क्या ग्राउंड है या तो वो एक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए ये क्या होता है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना मैंने यूपीएससी वाली वीडियो में बताया है। फिर बी पॉइंट इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस ये भी मैंने यूपीएससी वाली वीडियो में बताया इफ ही इज इन ओपिनियन ऑफ द प्रेजेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाई रीजन ऑफ इन्फॉर्मटिव और माइंड ऑफ बॉडी तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं जो यूपीएससी में आपको प्रोविजन बता रखे हैं एक और प्रोविजन था वो था मिस बिहेवियर का तो यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को भी मिस के बिहाफ पे उसकी कुर्सी से हटाया जा सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को भी उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है ऑन बेसिस ऑफ मिस बिहेवियर लेकिन अगर मिस बिहेवियर का इल्जाम लगाया जा रहा है किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के अगेंस्ट तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा तो जैसे प्रेसिडेंट सीधे सीधे यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को नहीं हटा सकता था वैसे वो एसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को भी नहीं सकता मिस बिहेवियर के बिहाफ पहले मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर इंक्वायरी होगी इंक्वायरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सही है तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से क्या बोलेगा आप इस चेयरमैन और मेंबर को हटा दो और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई इस पर्सन को इस मेंबर या चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हटा दो तो फिर उसको हटाना ही पड़ेगा देन दैट एडवाइस बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ठीक है भाई उसके बाद जिस समय तक इंक्वायरी चल रही है उस कंसर्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर पे तब तक उस पर्सन को गवर्नर रोक सकता है फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज एज अ मेंबर

मतलब संविधान के हिसाब से एसपीएससी के चेयरमैन या मेंबर ने मिस बिहेवियर किया है ये कौन से बेसिस पता चलेगा वही दो बेसिस हैं जो कि पहले मैंने आपको यूपीएससी में बताए थे पहला इज कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी कि वो एसपीएससी का मेंबर और चेयरमैन अपनी पोजीशन पे बैठ के उसका गलत इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट द्वारा एग्जीक्यूटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में शामिल हो रहा है और ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में वो किसी भी प्रकार से प्रॉफिट कमा रहा है जो कि लीगली उसको नहीं मिलना चाहिए तो ऐसे केसेस में भी मिसबिहेवियर का क्लॉज लगा के उस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को या चेयरमैन को उसकी कुर्सी से हटाया जा सकता है समझ गया फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिस प्रकार से यूपीएससी के मेंबर्स को और चेयरमैन को इंडिपेंडेंस दी गई उसी प्रकार से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को चेयरमैन को भी कुछ इंडिपेंडेंस दी गई तो भैया चेयरमैन और मेंबर ऑफ अ एसपीएससी इसको इसके ऑफिस से केवल प्रेसिडेंट निकाल सकता है और कौन से ग्राउंड पे निकाल सकता है किस मैनर में निकाल सकता है जो संविधान में लिखे और संविधान में जो निकालने वाले ग्राउंड हैं और ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई बताएंगे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को नहीं हटा सकता हटाएगा तो केवल प्रेसिडेंट हटाएगा उसके बाद जो कंडीशन है और मेंबर और स्टेर्में और स्टेर्में तो इनको गवर्नर डिटरमिन गवर्नर डिटर्मिन करेगा अच्छा गवर्नर डिटर्मिन करने का मतलब क्या है दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर जो भी उस स्टेट गवर्नमेंट के होंगे वो गवर्नर को बताएंगे कि भाई एसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को हम इतनी इतनी तनख्वाही इतने इतने बेनिफिट दे रहे हैं ये इनके कंडीशन ऑफ सर्विस है तो बेसिकली वो डिसीजन गवर्नर के नाम पे लिया जाता है बट पीछे से ऑर्डर कौन दे रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय चीफ मिनिस्टर तो भाई एक बार गवर्नर ने किसी कंडीशन ऑफ सर्विस पे किसी चेयरमैन या मेंबर को अपॉइंट कर दिया उनके अपॉइंटमेंट के बाद आप उनकी सर्विस कंडीशन को टू देर वेरी नहीं कर सकते टू देर डिस को अच्छा कर दो उनकी तनख्वाह बढ़ा दो ये सब चीजें कर दो तो बात अलग है लेकिन उनकी तनख्वाह कम, कम कर दो उनके अलाउंसेस कम कर दो उनके प्रेविलजेस पर्कस कम कर दो उनकी सर्विस कंडीशंस को डिसएडवांटेज पे कर दो ताकि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते एक बार जिन कंडीशन ऑफ सर्विस में उनको अपॉइंट किया है उसके बाद उन कंडीशन ऑफ सर्विस को आप बेहतर कर सकते हो कम नहीं कर सकते हो फिर भाई जो भी खर्चा आएगा सैलरी का अलाउंसेस का पेंशन का ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एस वो कहाँ आएगा तो वो आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे चार्ज एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर होगा। मतलब जब स्टेट का बजट आएगा तो स्टेट के बजट के ऊपर को, को कम नहीं किया जा सकता देखिए किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश असेंबली की बात की जाए तो जैसे सेंटर का अपना अलग बजट होता है वैसे किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सरकार अपना हर अलग बजट लेके आती है हर साल

फिर भाई चेयरमैन और ऑफ एसपीएससी में एस एक बार इन्होंने अपना टेन्योर कर दिया तो उसके बाद ये कहां कहां पे अपॉइंट हो जाते हैं कहां कहां पे अपॉइंट हो सकते हैं मैं एक एक करके बता रहा हूं सबसे पहले मैं बता रहा हूं द चेयरमैन ऑफ एस पी एस सी पे मान लीजिए चेयरमैन ऑफ एसपीएससी है ठीक है चेयरमैन ऑफ एस पी एस सी ने अपना पूरा एक टर्म ऑफ ऑफिस कर लिया तो जब वो अपना पूरा टर्म ऑफ ऑफिस कर लेगा उसके बाद वो कहां कहां पे एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए पहली बात तो वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है दूसरी बात वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है तीसरी बात वो किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है तो एक पर्सन जो कि किसी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है मान लीजिए उत्तर प्रदेश के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपना पूरा टेन्यूर कर लिया छह साल का यह पूरा टेन्यूर करने के बाद वो यूपीएससी में भी मेंबर बन सकता है सब्जेक्ट टू एज कंडीशंस वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है वो किसी और स्टेट का यानी मान लीजिए आसाम के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है लेकिन इन तीन चीजों के अलावा वो किसी भी और इंप्लॉयमेंट में नहीं जा सकता पहली बात दूसरी बात बात करते हैं मेंबर मेंबर ऑफ ऑफ स्टेट स्टेट पब्लिक पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन कमीशन की अगर ने मान लीजिए अपने छह साल का टेंडर पूरा कर लिया तो उसके बाद ये मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपने ही स्टेट के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है यानी जिस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से वो मेंबर का करके निकला है उसी स्टेट स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है वो किसी दूसरे state के state इन चार पोस्टों के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए इंप्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा ठीक है भाई और फाइनल चीज द चेयरमैन मेंबर ऑफ एस पी एस सी आफ्टर है सेकंड टर्म यानी कि उत्तर प्रदेश की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर पूरे छह साल का टेनोर करने के बाद फिर से छह साल के लिए मेंबर नहीं बन सकता उसी तरीके से उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन छह साल का ट्रेनोर करने बाद फिर से वो उत्तर प्रदेश के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नहीं बन सकता वो आसाम का बन सकता है बिहार का बन सकता है राजस्थान का बन सकता है मध्य प्रदेश का बन सकता है किसी भी और स्टेट का बन सकता है अपने स्टेट का चेयरमैन दोबारा नहीं बन सकता अगर वो एक बार चेयरमैन रह चुका है तो हां मेंबर एक स्टेट का एक ट्रेनोर करने के बाद अपने स्टेट के एसपीएससी स्ट का चेयरमैन बन सकता है लेकिन चेयरमैन फिर से उसी स्टेट का चेयरमैन नहीं बन सकता तो एज अ चेयरमैन ऑफ एंड एज अ मेंबर ऑफ द एस आपके पास केवल एक ही टर्म है एक के बाद आपके पास टर्म नहीं होगा फिर बात करते हैं भाई भाई फंक्शंस फंक्शंस ऑफ के जब की बात आई तो भाई, जो चीज यूपीएससी सेंट्रल सर्विसेज में कर रहा है वही चीज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की सर्विसेज में कर रहा है तो स्टेट की सर्विसेज के अपॉइंटमेंट के लिए जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनको कौन कंडक्ट कराएगा तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा फिर उस स्टेट में पर्सोनल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पे किस ये सलाह मशुरा लिया जाएगा किससे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से तो भैया उस स्टेट के पर्सोनल मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से बहुत सारी चीजों पे सलाह मशुरा लिया जाएगा तो भाई फॉर रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस एंड सिविल पोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो भैया उस स्टेट में जो भी सिविल सर्विसेज हैं और जो भी सिविल पोस्ट हैं उस पर रिक्रूटमेंट के लिए क्या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत करी जा सकती है किसके साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के फिर आप बोलोगे कि बातचीत करेगा कौन तो या तो या राज्य की सरकार बातचीत करेगी या कोई ऐसी दूसरी बॉडी जो कि जिसमें मेजोरिटी स्टेट हैं स्टेट गवर्नमेंट के तो वो देखना चाहती है कि हम अपने आप पे रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाएं तो इसके लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से बातचीत कर रही हूं तो बेसिकली

एक पोस्ट के पर्सन को या एक डिपार्टमेंट के पर्सन को दूसरे डिपार्टमेंट में किस हिसाब से डेप्यूटेशन भेजा जाएगी फिर सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विस पोस्ट फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर ये मैंने आपको बताया बाई अपॉइंटमेंट्स बाई ट्रांसफर एंड डेप्यूटेशन भी मैंने आपको बताया उसके बाद

उसमें भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से इनपुट लिए जाते हैं कि भाई हम लीगली क्या कर सकते हैं समझ रहे हो ना बात को तो यहां पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ जो बातचीत हो रही है वो प्रॉपर बेसिस पे हो रही है और खास बात दोस्तों ये है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है स्टेट के अंदर किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में तो मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में डीएसपी की पोस्ट पे रिक्रूट हुए या एसडीएम की पोस्ट पे रिक्रूट हुए यूपीपीसी देने के बाद तो एक डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम से आपको ट्रांसफर करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एस बनाया जाए तो ये करेगा कौन ये सरकार करेगी लेकिन सरकार ये करने के बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से बोलेगी कि आप डिसीजन को रेटिफाई करो तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट ट्रांसफर या कोई ट्रांसफर आपने किया कोई अपॉइंटमेंट किया उसके ऊपर कोई मेमोरियल पटिशन आ गया कोई लीगल चैलेंज आ गया तो इन सारी चीजों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ डिस्कशन होता है उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर का प्रमोशन रोकना हो इंक्रीमेंट रोकना हो, उसकी और करना हो, नीचे लाना, उसको दूसरी गवर्नमेंट जॉब पकड़ सकते हो कि आपको सर्विस से निकाल दिया गया और उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाओगे अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस से भी डिसमिस हुए ना तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं ले पाओगे तो इन सब चीजों में एसपीएससी का इन्वॉल्वमेंट बाकी का बचा हुआ टॉपिक दोस्तों में अगली वीडियो में खत्म कर दूंगा थैंक यू फॉर हैव ग्रेट डे